वरमीत वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड नाइन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट टेन खाटमंडो रिटर्न बाय विक्रम सेठर इन टू सेशन सेव कम्प्लीटेड फोर्थ टिल पॉइंट फोर्थ एंड नाउ कम टू दिफ्थ ओके इन दिस In those four points we have come across the detail of the Pashupatinath Mandir and Stupa. Mandir. Pashupatinath Mandir is belong to uh, Hinduism, Hinduist, Hinduism culture and uh, Budhinath Stupa is Buddhist culture. Okay, so now come to the point five. I consider what route I should take back home. If I were propelled by enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna, then celebrate the gang's best Banaras to Allahabad, then up to up the Yamuna, past Agra to Delhi. क्या बोल रहे हैं कि मुझे अब घर रिटर्न हो जाना चाहिए और परसों पर से दैट मीन्स के बाय इट सेल्फ अगर मैं अपने और अब मुझे बहुत एंथुजियाजम अगर मुझे एंथुजियाजम बढ़ गया और उससे एंथुजियाजम से प्रॉपर्ड का मतलब होता है ड्रिवन प्रॉम्प्टेड ओके तो एंथुजियाजम से मैं इतना यानी आ, एंथुजियास्टिक हो गया दैट मीन्स के मुझे इतना हो गया कि मैं अपने आप से ट्रैवल करूं तो मुझे बस और ट्रेन से पहले पटना जाना होगा फिर वहां से बनारस गंगा को पार करके बनारस जाना होगा अलाहाबाद और फिर वहां से यमुना नदी के किनारे जो आगरा है दिल्ली वहां तक आगे बढ़ना होगा बट आई एम टू एग्जॉस्टेड इन होम सिख बट वो कह रहे हैं मैं बहुत टाइम से बाहर हूँ मैं एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ होम सिख घर याद आ रहा है टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त गो होम आई टेल माई सेल्फ मूव डायरेक्टली टू होम आई एंटर अ

ओके आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल जब वो अपने होटल पहुँचे तो वहाँ पर एक पास में स्क्वायर था स्क्वायर यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर मार्केट पूरा भरा हुआ हो बराबर तो वो कहते हैं मेरे होटल के पास ही ऐसा स्क्वायर था वहाँ पर मैंने देखा कि एक कॉर्नर में फ्लूट सेलर खरा है फ्लूट किसे बोलेंगे हम हमारी लैंग्वेज में उसे बाँसुड़ी बोलते या बंसी बोलते ओके okay. और गुजराती में उसको बाँसुरी बोलते हैं इन इज हैंड इज अ पोल विथ एन अटैचमेंट इट द टॉप फ्राम विच सिक्सटी और फिफ्टी और सिक्सटी बाँसुर ज प्रोट्रीड इन ऑल डायरेक्शन वो बोल रहा है कि उनके हाथ विक्रम सेठ बोल रहे हैं ही डिस्क्राइब द फ्लू सेलर इन दिस सिक्स पॉइंट ओके तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो क्या बोल रहे उसका जो हाथ में एक पॉल था बराबर और उसमें ऊपर से लेके नीचे तक हम देखें तो फिफ्टी टू सिक्सटी बांसुरी हर डायरेक्शन में लगी हुई थी ओके लाइक द क्विल्स ऑफ अट ओके कुछ इस तरीके से लगी हुई थी जैसा कि ये पॉल है बराबर ये पॉल है और उसके हर डायरेक्शन में यानी जहाँ इधर भी बराबर यानी सब डायरेक्शन में वो राउंड था ना पॉल पूरा राउंड होता है इस तरीके का तो हर डायरेक्शन में क्या हुआ था ये लगी हुई थी ओके तो इस तरीके से ऐसा क्विल्स बनते थे जैसा कि एक के ऊपर एक प्रॉपर अरेंज की हुई थी दे आर ऑफ बाम्बू वो बाम्बू की बनी हुई थी देर आर क्रॉस फ्रूट्स एंड रिकॉर्डर्स हर तरीके की थी क्रॉस फ्रूट्स थे फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड इन प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स द साउंड रेजिस्ट क्लियरली अब द नॉइस ऑफ द ट्राफिक एंड द हॉकर वो क्या करता था बार बार टाइम टू टाइम क्या करता था वो पोल को ग्राउंड पर रखता था पर्टिकुलर एक बाँसुरी उसमें सेलेक्ट करता था देन ही स्टार्ट

जिस तरीके से दूसरे हॉकर्स शाउटिंग कर रहे इस तरीके से वो शाउट नहीं कर रहा था ही मेक्स सेल बट इन क्यूरियसली ऑफेंडेड वे एज इफ दिस वेर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज ओके वो क्या कर रहा था बाँसुरी उसकी सेल हो रही थी बट वो ऑफ हैंडेड कर रहा था ये सब यानी ऑफ हैंडेड का मीनिंग होता है कि कैजुअल वे में कोई इंटरेस्ट नहीं बताना और इसी तरीके से वो अपना एंटरप्राइज चला रहा था समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर और जब वो बीच में बीच में फ्रूट सेलर से बात करने के लिए रुकता था पास में कोई फ्रूट सेलर था उससे बात करने के लिए रुकता था तो उसका म्यूजिक ब्रेक हो जाता था आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बिन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर यस और विक्रम सेठ हियर टोल्डस के दैट ये पूरा उसका लाइफ स्टाइल इसी तरीके से रहा होता होगा और बरसों से वो यही लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहा है आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टू अवे द स्क्वायर फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज दिस मी वो क्या बोल रहे है कि बहुत मुश्किल मेरे लिए वो स्क्वायर में से अपने आप को वहाँ से हटा पाना या वहां से जा पाना क्योंकि फ्लूट म्यूजिक उन्हें बहुत पसंद था विक्रम सेठ को और अट्रैक्ट करता था इसलिए मुझे हमेशा फ्लूट म्यूजिक जहां पर भी प्ले होता हो वहां से हटना मुश्किल हो जाता था इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड एक फ्लूट ऐसा साउंड है कि जो मोस्ट यानी यूनिवर्सल है जहाँ पर भी जाओगे आप कोई भी जगह पर आपको सुनने मिलेगा क्योंकि हर कल्चर में फ्लूट अपना एक आ, अलग अपना उसका प्लेस है एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वो बहुत पर्टिकुलर साउंड है बहुत, बहुत क्लियर साउंड है वो देर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इज फ्रूट कोई भी कल्चर ऐसा नहीं कि जिसमें खुद की फ्रूट नहीं हाँ उसके उसके नेम्स अलग अलग हैं but the uh, way of playing the music from the flute is the same so there is a culture that does not have its flutes It is a koi culture It is a the reed the recorder the japanese the shakuachi सॉरी शाकुआची द डीप बनारस बंसूरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड द क्लियर और ब्रिथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका द हाई पिच चाइनीज फ्रूट सब जगह पर है चाइनीज़ कल्चर में है नेपालीज कल्चर में है हिंदुस्तानी कल्चर में है साउथ अमेरिकन कल्चर में है और चाइनीज कल्चर में भी फ्लूट है बट सबके नीम अलग अलग है बराबर और आ, हमारे यहाँ पर हम क्लासिकल म्यूजिक में यूज़ करते सब अलग अलग तरीके से फ्लूट्स यूज़ होती है बट हाँ कोई ना कोई तरीके से हर कल्चर में फ्लूट्स अपना रास्ता बना रास्ता है उसका वो है वहाँ पर बराबर एंड वो बोल रहे हैं कि चाइनीज फ्लूट्स ऐसी है कि जो बहुत हाई पिचड है यानी बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं उसको प्ले करने के लिए इच हैज़ दिस स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास और जितनी भी फ्लूट्स है उसके फिंगरिंग फिंगरिंग का यानी हमको पता है कि फ्लूट्स किस तरीके से बजाई जाती है बराबर जो एयर है उसको पैर को पास की जाती है और जो एक पोल है यानी एक बांसुरी एक लक, जो एक लकड़ी का वो होता है पोल बना होता है उसमें पर्टिकुलरली हॉल्स होते हैं वो हॉल्स पे फिंगरिंग कर कर कहीं पर फिंगर रख कर कहीं पर आ, फिंगर uh, नहीं होती है इस तरीके से हमको पता है कि बांसुरी बजाई जाती है उसको फिंगरिंग बोलते हैं पर्टिकुलर नोट्स प्ले करने के लिए वो फिंगरिंग का आना बहुत ज़रूरी है तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में भी है साउथ अमेरिका में भी है चाइनीज फ्रूट भी है इसी तरीके से सबका खुद का स्पेसिफिक फिंगरिंग होता है और हर टोन बजाने के लिए इट वीज इट्स ओन एसोसिएशन गेट टू हियर एनी फ्लूट इट सीम्स टू मी टू बी ड्रोन इन टू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैन वो क्या बोलते हैं कि हर ये जितनी भी फ्लूट्स है वो फ्लूट्स को जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हम सब कल्चर में हैं दैट मीन्स कि हमने अपने आप को बांटा है पर हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बराबर देखो यहाँ पर लिखा है कम्युनिटी ऑफ ऑल मैन हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट सेम है टू बी मूड बाई म्यूजिक क्लोजेज इन एक्सप्रेस एंड सेंटर्स टू द ह्यूमन वॉइस बराबर तो म्यूजिक को इसी तरीके से ह्यूमन वॉइस में डाला जाता है इट्स मोटिव फोर्स टू इज़ लिविंग ब्रीथ और उसका मोटिव फोर्स ये जो बस बांसुरी है उसको बजाने के लिए हमें मेन क्या चीज़ की ज़रूरत होती है हमारी ब्रद्ध की हमारा मोटिव फोर्स है वो क्या है हमारा हमारा जीने का एक तरीका हमारा जीने के लिए हमें वृद्ध करना ज़रूरी है तो वही ब्रिद से हम म्यूज़िक प्ले करते हैं इट टू नीड्स टू पोज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन और जब हम ये म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूसली हमें आ, सिर्फ प्ले नहीं करना है हमें कहीं पोज करना है अच्छे से ब्रिद लेनी है और फिर आगे फिर से प्ले करना है दैट इज आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फैमिली ऑफ फ्रेजेज ऑन दन सरप्राइज मी एट फर्स्ट फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेशन दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग एबसेंस अब्रोड वो क्या बोल रहे हैं कि बांसुरी के बारे में वो अपनी उन्हें उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा है कि उन्हें बांसुरी के बारे में इतनी सारी नॉलेज है वो हमसे शेयर कर रहे हैं पहले तो ऐसा लगा कि पहले के ओकेशन पे क्या होता था कि जब वो लॉन्ग एब्सेंस एब्रोड में ज़्यादा टाइम लगा के आते थे और वो घर रिटर्न उन्हें होना होता था तो वो क्या बोलते हैं कि पहले तो ऐसा लगता था कि ओकेशन पे ये ओकेशन पे मुझे सरप्राइज लग रहा है कि मैं इतनी माइन्यूट डिटेल आपको दे रहा हूँ बा, बांसुरी के बारे में वो यूजुअली विक्रम सेठ जी वो बोलते हैं कि मैं कुछ इतनी माइन्यूट डिटेल नहीं दे पाता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में बराबर आई हैव ऑलरेडी नोटिस सच डिटेल्स एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू और वो कह रहे हैं कि बहुत अजीब लग रहा है और मैं वो कहते हैं मुझे बहुत सरप्राइज लग रहा है कि मैं एक होटल के होटल के पास स्क्वायर में इतना स्क्वायर में कितनी भीड़ होती है वहाँ पर खड़े रह सिर्फ एक फ्लूट सेलर का डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ दिस इज़ वेरी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ बट ऐसा वो कह रहे हैं मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ जो मैं पहले कभी नहीं करता था ओके okay? तो आ, इन्होंने यहाँ पर ये बात भी भी बताई बताई कि मैंने आपको फ्लूट सेलर के बारे में जो चीजें वो मेरे लिए बुक भी भी है क्योंकि मैं अपनी के इतना सो यहाँ पर कुछ उसके एट पॉइंट हमें दिए गए हैं ओके होप आपको समझ में आया होगा इसमें तीन चीजें मेन हैं एक तो पशुपतिनाथ जो टेम्पल है उसका डिस्क्रिप्शन है एक बौद्ध स्टूपा का डिस्क्रिप्शन है और लास्ट में फ्लूट सेलर का डिस्क्रिप्शन ओके तो अच्छे से चैप्टर को कर जाना हाफिज़